अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? बेहतरीन हैं, मज़े में हैं। मुझे पता है मेरे चाहने वाले, मेरे सब्सक्राइबर और मेरे देखने वाले सब मज़े में होंगे। आज प्लान इस तरह है कुछ कि अभी अचानक से प्लान बन गया ग्रुप की शक्ल में कि अब हम यहाँ से सारे स्नोई मुंडे इधर जाएंगे घूमने के लिए, एक ट्रिप करते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे आजकल छुट्टियाँ चल रही थी, मैंने बोला यार सारी ज़िंदगी गुजर गई, कोई बर्फ़ नहीं देखी, आइस नहीं देखी, और इस बंदे ने भी यार स्पेशल। तो ये काम से आया था, बिलाल का वेट कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ी ग्रोसरी या शॉपिंग वगैरह करेंगे, तो करने के बाद फिर चलते हैं यार, चल के थोड़ा घूम के आते हैं। तो अभी चलते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, मैं उतनी देर में शेव वगैरह कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ। बिलाल जैसे ही काम से आएगा उसको भी साथ गाड़ी में बिठा लेना, कपड़े इनको बाद में चेंज करने देने हैं। इसी तरह मान ला, पहले ग्रोसरी उसके बाद सारी चीज़ें बाद में होंगी। अभी बिलाल जैसे ही आएगा उसको गाड़ी में बिठाना है और हमने सामान खरीदने के निकल जाना है। और आपको दिखाता हूँ क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए आप जब ट्रिप करने जाते हैं, और फिर कैसे ट्रिप चलता है आपको फिर आगे चल के बात करते हैं। जैसे ही बिलाल काम से आया हमने फौरन से बोला गाड़ी में बैठो, हम निकलते हैं, हम जाएंगे वूलवर्थ वगैरह, वहाँ से सारा ग्रोसरी का सामान बाय करते हैं और उसके बाद आप आके तैयार होना, फिर ट्रिप के लिए निकलेंगे और वहीं से ब्रेकफास्ट करेंगे। ये क्या बड़ा बेहतरीन एक फंक्शन दिखाना, फोन तेनू केवे लगेगा डार साहब? तू कहना फोन मेनू गुलेंदा पिया ही गुलेंदा पिया ओ गुले तू कहना फोन क्यों मेनू गुलेंदा पिया ही? अज जा रहे हैं बहुत कुछ बनाना, बहुत वीडियो आई बननी है। किधर जा रहे हैं? बहुत कुछ बनाना, बहुत कुछ बनाना, लंबे प्लान, लंबे प्लान। चलो नाश्ता होएगा, नाश्ते के बाद फिर आगे चलेगा काम सारा। और आपको ये सामान देख के लग रहा होगा कि हम चांद पे जा रहे हैं यार, इतने ज़्यादा चीज़ें बाय कर ली हैं कि वहाँ से कुछ मिलना ही नहीं है। यार ऐसी बात नहीं है, हम बहुत ज़्यादा लोग थे इसलिए इतने ज़्यादा ग्रोसरी की है। वूलवर्थ से जो जो चीज़ें हमें मिल सकी हमने उठा ली, और बिलाल को बोला जल्दी से जाकर आप यार नाश्ते के लिए कोई चीज़ ऑर्डर करो सामने से और हम यहाँ पर बिल बनाते हैं। ये इतना ज़्यादा सामान इसलिए था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम बहुत ज़्यादा लोग थे और कुछ चीज़ें हमने वूलवर्थ से उठाई हैं। और मीट बिल्कुल वूलवर्थ के सामने एक शॉप है, आपको दिखाता हूँ, मीट हमने वहाँ से बाय किया था। वूलवर्थ से शॉपिंग करने के बाद हम मीट वाली शॉप पे आ गए, ये खील मीट शॉप है, यहाँ पर बहुत अच्छा मैरिनेटेड मीट मिलता है और फ्रेश। तो यहाँ पर हमें बहस हो रही थी कितना बाय करें, कोई बोल रहा है 20 किलो ले लो, कोई बोल रहा है 15 किलो ले लो, कोई 21 किलो का मशवरा दे रहा है। भाई यहाँ पर काफ़ी बहस होने के बाद हमने 6-7 आइटम मैरिनेटेड मीट के मिक्स किए ना, तो वो ऑर्डर किए। तो उसके बाद ये देखें भाई साहब, भाई जैसे कैमरे में पता चला आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा बिलाल स्टाइल मारते हुए के, और फिर इसके बाद हमने मीट वगैरह ऑर्डर किया, करने के बाद यहाँ से मीट लिया और फिर गाड़ी की तरफ बढ़े। लादरी ये बिलाल कुछ करते हुए काम करते हुए काम करते हुए हमसे काम करवाया सारा इसने भाई। ये दोस्त ना, ये दोस्त ने एंड दे प्लान कैंसिल कर देना है ना। ये दोस्त देखो मैंने करके रखो खोता रेडी है गड्डी आ चार मेरी वाइफ ने बैग बनाए हैं दोपहर शाम ना कर दुकान खोल रहे हो भाई? तैयारी कर रहे हैं। सामान लोड करने के बाद गाड़ी में हमने जल्दी से नाश्ता किया ताकि जल्दी जल्दी नाश्ता करके घर जाएं, क्योंकि टाइम गुजरता जा रहा था और हमारे पास दिन कम थे और एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करने के लिए थी और सफ़र भी बहुत ज़्यादा था। ये देख लें हम यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं और इसके बाद घर के लिए निकलते हैं। जैसे घर पहुँचे ना यहाँ पर नया पंगा पड़ गया, नया पंगा क्या पड़ गया ये आप देख लें। इतना ज़्यादा ग्रोसरी का सामान था, गाड़ी इससे फुल थी और घर में ना हर बंदे ने एक एक दो दो बैग पैक किए हुए थे सामान के। इस तरह सामान पैक किया हुआ है जिस तरह सिडनी को परमानेंट छोड़ देना है और वापस आना ही नहीं है, और या हम जंगल में जा रहे हैं, मरीख या चांद पे जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ नहीं मिलनी। बड़ी मुश्किल साथ सबको बोला कि यार थोड़ा थोड़ा सामान कम करो, फिर दूसरा सामान जो ज़रूरी सामान है वो अकोमोडेट हो जाए। फिर सब ने थोड़ा थोड़ा अपना सामान कम किया, उसके बाद जो ज़रूरी सामान था लेके जाने वाला वो अकोमोडेट किया,
बड़ी मुश्किल यहाँ पर ये देख लें सामान अकोमोडेट हुआ है गाड़ियों में। और फिर अभी हम निकलने लगे हैं, निकलते हैं रास्ते में फिर चल के आपको बताते हैं क्या क्या नजारे हैं, क्या क्या बातें होती हैं। और रास्ते में पुलिस वगैरह भी नहीं थी और कैमरा वगैरह भी नहीं था। मैंने बोला थोड़ा ना थोड़ा शशके शशके मार लें, थोड़ी गाड़ी भगा के देख लें, वरना तो गाड़ी पूरी सिडनी में तो 40 की स्पीड से ऊपर चलती नहीं। जब भी आप चलाओ भाई आगे स्कूल जोन आ जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं बिलाल, देखो कितने रास्ते में मजे लेते हुए भाई, देखो कैसे नज़ारे कर रहा है, सो कर फॉर्म में देख रहा है नज़ारे भाई। ड्राइविंग के सारे मजे जो इसने किए हैं ना चेक कर लें, फिर अभी बोलेगा मैं तो सोया नहीं हूँ, मैं तो पिछले 72 घंटों से उठा हुआ हूँ। चेक करें आप सब। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और कहीं पर ट्रिप पे जा रहे हैं ना, सबसे जो अच्छी और मज़े की बात है यहाँ पर ड्राइविंग है। सबसे जो मज़ा आता है ना ट्रिप करने का, वो ड्राइविंग का ही सिर्फ मज़ा आता है। पता क्यों? हर तरफ ग्रीनरी है, आप जिस तरफ जाते जाएंगे ना खूबसूरत नज़ारे आपको नजर आएंगे। वेदर आज बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये चेक कर लें। ठीक है, आउट क्लास वेदर था, बेहतरीन, यानी कि आप जिस तरफ देखेंगे ना खूबसूरती खूबसूरती, यानी नेचुरल ब्यूटी, जैसे नेचुरल ब्यूटी बोलते हैं वही आपको हर तरफ नज़र आएगी। ठीक है, मुझे तो कहीं भी जाना हो ना सिर्फ एक चीज़ का मज़ा आता है, जो दोस्तों के साथ गपशप होती है जाते हुए और जो सीनरी नज़र आती है, दैट्स इट। बकाया वहाँ जाकर आपने जो भी एक्टिविटी करनी नहीं करनी वो दूसरी चीज़ है, लेकिन जो ड्राइविंग का मज़ा है वो सबसे अलग होता है। रास्ते में एक कैफ़े था ईलिंग कैफ़े के नाम से, तो हम सब ने ये डिसाइड किया कि पूरा ग्रुप यहाँ पर स्टे करते हैं, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह लेंगे, थोड़ा धूप वगैरह का एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। ये कैफ़े बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, इसका लिंक ना मैं बायो में दे दूंगा। जो स्नोई या कैनबरा वगैरह लोग जा रहे हैं, रास्ते में ये पड़ता है सिडनी से कैनबरा की तरफ, तो यहाँ पर लाजमी स्टे कीजिएगा। यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह और आपको ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। कर दी, कैसा फील कर रहे हो सो के? फोन ही नहीं देंगे पूरे राह मैं गल्ला कराते हैं कि आपको तो बताना ही भूल गया मैंने अकोमोडेशन कहाँ ली थी। ये मैंने अकोमोडेशन ली थी एयरबीएनबी थी और ये जिंदा बाइन में थी, तो जिंदा बाइन पहुँच कर आपसे फिर बात होती है। बर्फ ये स्नोई पहुंच ला किथे किथे थक गया और रह गए 15-35 किलोमीटर रह गए, किदो आएगी जन्ना बैंद को पहुंच ला। ओए ओ बर्फ मान ला करो लेके आए बर्फ लेके आना आप वही सिडनी आ तो तू वीडियो बना दे अब जला लेनी एक पैकेट बहुत होएगा ना 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 एक अब पंप तो ला लूंगा तो कुटांगे। ये हम जन्ना बाई डैम से गुजरे हैं, ये बहुत खूबसूरत यहाँ पर व्यूज है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही आप स्नोई मुंडा से पहले जिंदा बाइन आता है, जिंदा बाइन से पहले ही है ना जिंदा बाइन डैम आता है। यहाँ पर भी आप बारबेक्यू वगैरह पिकनिक वगैरह कर सकते हैं। ये बिल्कुल जिंदा बाइन के स्टार्टिंग पे है, ये आप देख सकते हैं। हमें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना सुबह 9 बजे चले थे, ये शाम के 4 o'clock यहीं पर हो गए थे। जैसे ही आप जिंदा बाइन डैम क्रॉस करेंगे ना तो आगे जिंदा बाइन सिटी स्टार्ट हो जाता है, जिसकी एक तरफ बहुत खूबसूरत जिंदा बाइन लेक है। तो जो भी यहाँ पर आए इस लेक का लाजमी विजिट कीजिएगा, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लेक है, एक तरफ सिटी एक तरफ लेक। 6-7 घंटे का सफ़र करने के बाद फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। ये हमने घर लिया था एयरबीएनबी से,
तो यहाँ पर खड़े हैं अभी, सामान वगैरह अंदर रखा है। तो इसके बाद थोड़ा चिल आउट करने जाएंगे जिंदा बहन, रात का वक्त हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं, बिलाल, उमर, बिलाल और अमानुल्लाह सब यहीं पर खड़े थे, आपस में ऐसे गपशप कर रहे हैं। ये मेरा दोस्त है उमर। सर्दी इंजॉय कर रहे हैं, सर्दी इंजॉय कर रहे हैं। बिलाल साहब की कर रहे हो? स्नोई माउंटेन ट्रिप, छुट्टी इंजॉय। यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीलॉग में जो होगा पेशावर वैली में और थ्रेडबू में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।